नमस्कार दोस्तों, मौर्य जी टेक्निकल ज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं प्रमोद मौर्य आप सबके लिए लाया हूँ 24 इंच के LED टीवी का वीडियो, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि हम चालू करते हैं तो पावर ऑन होता है लेकिन बैकलाइट जलता है लेकिन पिक्चर नहीं बन रहा है दोस्तों। तो चलिए हम इसको चालू करते हैं और प्रॉब्लम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे यहाँ लाइट आ गई टीवी में, पावर ऑन करते हैं। ये पावर ऑन हुआ दोस्तों, देखिए पावर ऑन हो गया, हमारा बैकलाइट जल रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों बहुत जन इसको पैनल का प्रॉब्लम बोलेंगे दोस्तों। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं पीछे से और चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। इसमें ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि पैनल का ही प्रॉब्लम हो, इसमें LVDS केबल आता है उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। हम सबसे पहले वही चेक करेंगे LVDS केबल, उसके बाद अगर LVDS केबल ओके है तो पैनल के स्केलर में वोल्टेज ओके आ रहा है कि नहीं, सारे वोल्टेज हमको जो जो चाहिए वो सब ओके आ रहा है कि नहीं, तो वो हम चेक करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम इसे पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद सारे वोल्टेज केबल चेंज करके वोल्टेज चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने LED के बैक बॉडी को ओपन कर लिया है, चेक कर लेते हैं LVDS केबल ओके लगा है कि नहीं। LVDS केबल तो ओके लगा है, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, ये भी ओके है। पैनल का मॉडल नंबर देखिए, LVDS सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ये है LVDS, पहले हम इसे निकालेंगे पूरा और इसे साफ करेंगे। दोस्तों हम इसे निकाल के साफ़ करके आपको साफ इरेजर से करना है दोस्तों, इसके जो लेग होते हैं ना दोस्तों इसे इरेजर से साफ करना है। फिर लेग देखिए दोस्तों, इसके लेग आपको देखने में आ रहे हैं, थोड़ा जंग लगा हुआ है इस पे दोस्तों देखिए। तो मैं इसे पहले इरेजर से साफ कर लेता हूँ। ये पावर का लाइन है इसका दोस्तों, और इसमें देख लेते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई लेग LVDS पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से LVDS वीडियो वगैरह सब जाता है। तो ये चेक कर लेते हैं दोस्तों, हम इसे इरेजर से साफ करके चेक करके फिर वीडियो चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इसे इरेजर से साफ कर लिया, एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हम इसे लगाएंगे यहाँ पर, आपको लगाते टाइम ध्यान रखना है सीधा ही जैसे निकाला था आपने वैसे ही लगाना है दोस्तों, अगर आप उल्टा लगाएंगे तो पैनल शॉर्ट होने का डर रहेगा दोस्तों। ये लग गया मरे, ये हम यहाँ पे बिठा देते हैं दोस्तों जैसे थे, आपको पॉइंट देख के ही बिठाना है दोस्तों। ये LVDS बिठाने के लिए जो पावर का यहाँ देखो पॉइंट दिया हुआ है और ये सॉकेट के आगे वाइट कलर का निशान दिया, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ ही, यहाँ हमेशा पावर का ही पॉइंट आएगा दोस्तों। जहाँ ये वाइट कलर का निशान बना होगा ना वहीं हमेशा पावर का भाग आएगा। तो ये LVDS HD रेडी है, फुल HD नहीं, फुल HD रेडी में दोस्तों ये आपके जो वायर होते हैं ज़्यादा होते हैं, 10 वायर होते हैं, इसमें HD रेडी में 5 ही होता है दोस्तों। तो हम इसे सॉकेट अच्छे से बिठा लेंगे दोस्तों, अब हम इसे चालू करके देखते हैं दोस्तों। पहले हम इसको चालू करके देखेंगे, अगर डिस्प्ले आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो हमने अलग से सेंसर वायर लगा कर रखा है दोस्तों, हम चालू किया है बटन और हम इसे पावर ऑन करते हैं। देखिए यहाँ ग्रीन लाइट आ गई और ये हमारा पावर ऑन हो गया दोस्तों।
देखिए दोस्तों, वीडियो कंप्लीट आ गई है दोस्तों। हमने इसमें कुछ भी नहीं बदला है दोस्तों, देख रहे हो आप कंप्लीट वीडियो। हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, हमने खाली एलवीडीया साफ़ करके लगा दिया है। अगर आप यहीं रिपेयरिंग में ले जाएंगे तो पहले आपको पैनल का प्रॉब्लम बोला जाएगा, उसके बाद पैनल रिपेयरिंग का चार्ज लेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखें, कुछ चीज़ें छोटी छोटी नॉर्मल होती हैं। बहुत दिन से क्या टीवी रखे हुए होता है ना, तो जंग लग जाता है या चलता नहीं, तो उसकी वजह से ब्लू स्क्रीन आ रहा था दोस्तों। तो चलिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम इसको पैक करके टेस्टिंग में लगा देंगे दोस्तों। पहले हम इसको टेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही कस्टमर को देंगे दोस्तों। दोस्तों हमने LED पैक कर दी है, अब इसमें टेस्टिंग के लिए पेन ड्राइव लगा देते हैं। हमने लगा दी पेन ड्राइव, अब हम इसको LED को चेक कर। देखिए दोस्तों, LED कंप्लीट चालू है। अब हम इसको रिमोट से मीडिया मोड ऑन करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, हमने इसमें कुछ भी नहीं चेंज किया और LED ओके हो गई। कभी कभी यार होता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि ब्लू स्क्रीन आए तो LBDS का ही प्रॉब्लम हो। अगर LBDS का प्रॉब्लम चेंज करने से सॉल्व हो गया तो ये पैनल का प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों, ये LBDS का ही था। ओके, देखिए कंप्लीट चल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना, हमारे चैनल को फॉलो करना दोस्तों। थैंक यू।